वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्यौहार उपाय चैनल में। दोस्तों हमारे देश में त्यौहारों का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में गणपति जी के उत्सव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और इन्हीं तैयारियों में गणपति जी को अपने घर लाने की तैयारी भी हमने शुरू कर दी है। गणपति चतुर्दशी में लोग बप्पा के पसंद के वस्त्र से लेकर भोग तक की सारी चीज़ें उनकी पसंद की लाते हैं और उन्हें प्रसन्न रखने की हर संभव कोशिश भी करते हैं। लेकिन गणपति स्थापना से पहले आपको कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप गणपति जी की मूर्ति लेने मार्केट में जाएं तो आप कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, जो कि आज मैं अपने वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। मूर्ति खरीदते समय आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप गलत मूर्ति घर में ले आते हैं तो वो भी आपके लिए शुभकारी नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ उनको याद रखकर ही आप गणपति जी की मूर्ति अपने घर में स्थापित करें। इन सभी बातों की जानकारी दूंगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को टच करें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैं लाने वाली हूँ गणपति उत्सव से जुड़े हुए, तो उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को टच करना ना भूलें। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप गणपति जी की मूर्ति लेने जाते हैं मार्केट तो क्या ध्यान में रखना है आपको, कि जब भी मूर्ति खरीदें तो ध्यान दें कि मूर्ति मिट्टी की बनी हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर किसी और धातु की मूर्ति आप ना खरीदें, क्योंकि जब हम गणपति जी की स्थापना घर में करते हैं तो उनका विसर्जन भी करते हैं, तो विसर्जन करते समय वो मूर्ति अच्छे से विसर्जित हो जानी चाहिए, पानी में अच्छे से विलीन हो जानी चाहिए, तभी हमारी पूजा और आराधना का हमें संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके अलावा दूसरा कारण ये भी है कि हमें मिट्टी से बनी गणेश जी की मूर्ति लेनी चाहिए, वो इसलिए कि यह पानी में विलीन हो जाती है और प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी और धातु की अगर आप मूर्ति लेते हैं तो वो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इस वजह से भी मिट्टी की मूर्ति खरीदने की सलाह मैं आपको दे रही हूँ। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप गणेश जी की मूर्ति खरीदें दोस्तों, तो ध्यान दीजिए कि गणेश जी बैठे होने की मुद्रा में हो। इसलिए जब मूर्ति खरीदने जाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि गणेश जी बैठे हुए होने चाहिए। अगर आप इस तरह की मूर्ति खरीदते हैं तो बप्पा आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके बड़े से बड़े बिगड़े कामों को बना देते हैं। इसके अलावा अगर आपके किसी भी काम में कोई रुकावट आ रही है, आपकी तरक्की में कोई रुकावट आ रही है, तो वो भी दूर हो जाती है। तीसरी बात जो कि ध्यान में रखनी है आपको मूर्ति लेते समय, वो ये है दोस्तों कि आपको मूर्ति हमेशा वाममुखी गणेश जी की ही लेनी चाहिए। इसलिए मूर्ति खरीदते समय यह ध्यान रखिए कि मूर्ति में गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप वाममुखी गणपति की पूजा करते हैं तो भगवान गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और दूसरा इनकी पूजा करना आसान भी होता है। वहीं अगर आप दाईं ओर के सूंड वाले गणपति जी की मूर्ति खरीदते हैं तो उनकी पूजा के लिए बहुत सारे विशेष नियमों का पालन करना होता है, साथ ही इनकी पूजा डेली करनी होती है, आप एक भी दिन स्किप नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपको दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वाममुखी गणेश जी की मूर्ति की ही अपने घर में आप गणपति उत्सव के समय स्थापना करें। चौथी बात जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, मूर्ति खरीदते समय आप मूर्ति के रंग का भी चुनाव ध्यान से करें। मार्केट में बहुत तरह के कलरफुल मूर्तियां आजकल मिल रही हैं, लेकिन अगर हो सके तो आप मूर्ति सफ़ेद या फिर सिंदूरी रंग की ही खरीदें, क्योंकि यह मूर्ति बहुत ही शुभ और लाभकारी मानी जाती है। अगर आपको बाय चांस सफ़ेद या सिंदूरी रंग की प्रतिमा नहीं मिल रही है तो आप किसी और रंग की प्रतिमा भी खरीद सकते हैं। पांचवी बात जो कि ध्यान रखनी है वो ये है कि आप अगर अपने घर के लिए गणपति जी खरीद रहे हैं तो आप, जैसा कि मैंने पहले बताया, आप बैठी हुई मुद्रा में जो गणेश जी की मूर्ति हो वही अपने घर लेकर आएँ। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस के लिए या आप जहाँ भी आप अपना व्यवसाय या बिज़नेस करते हैं उस जगह के लिए आप मूर्ति खरीद रहे हैं
तो ध्यान रखें मूर्ति गणेश जी की जो है वो खड़े हुए होनी चाहिए। खड़े हुए गणेश जी की अगर आप मूर्ति अपने ऑफिस में स्थापित करते हैं तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी, आपकी तरक्की के मार्ग खुलेंगे और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। छठी बात जो कि ध्यान रखनी है वो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि संतान प्राप्ति के लिए अपने घर में गणपति जी की स्थापना करना चाहते हैं। अगर आप भी इसी इच्छा से अपने घर में गणपति जी को लाना चाहते हैं तो इस गणेश चतुर्थी में आप बाल गणेश की मूर्ति अपने घर में स्थापित करें। मूर्ति जब आप खरीदें तो देखिए उनका जो रूप है वो बाल रूप होना चाहिए, एक छोटे बच्चे के जैसा रूप उनका होना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में संतान प्राप्ति के योग तो बनेंगे ही, साथ ही जो संतान आपके घर में जन्म लेगी अपने माता पिता की खूब सेवा करेगी, जिस तरह से गणेश जी ने अपने माता पिता की सेवा की थी, साथ ही उनकी खूबियों को लेकर भी आएगी। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आप जब भी आप गणपति स्थापना के लिए अपने घर में मूर्ति को लेने जाएंगे मार्केट तो इन सभी बातों का ध्यान ज़रूर रखेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों भगवान गणेश जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। व्रत त्योहार उपाय चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेशाय नमः।